हेलो दोस्तों, तो आज एक ऐसे स्टॉक के बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि कल एक शेयर की तरह चल रहा था लेकिन आज एक गीदड़ मात्र बन के रह गया है, और आगे आने वाले समय में उस स्टॉक का क्या होगा ये भी अभी कुछ निश्चित नहीं है क्या भविष्य है। तो दोस्तों, ये कोई और स्टॉक नहीं, हम बात कर रहे हैं DHFL की। और DHFL में जिस तरह से बड़े बड़े लोगों की पोजिशंस बनी हुई हैं, स्टिल राकेश झुनझुनवाला जो हैं उनको लगभग 65% का नुकसान है पिछले एक महीने का जो रहा है गिरावट इसमें DHFL में, और कुछ होल्डिंग्स उन्होंने इंक्रीज भी की है कुछ लोअर लेवल्स पर, बट अनफॉर्चुनेटली कि प्राइस अभी भी गिरावट के दौर में ही है। और एक छोटी सी खबर ने केवल DHFL का पूरा इतिहास बदल के रख दिया। डिफॉल्ट की एक खबर आई IL&FS की, और इनका जो कमर्शियल पेपर्स थे DHFL के वो सेल आउट किए गए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक र्यूमर जनरेट हुआ कि DHFL ने डिफॉल्ट किया है। हालांकि CEO और जो बड़े कंपनी के मैनेजर लेवल के जो पीपल थे, पर्सन थे, उन्होंने आके मीडिया में इस चीज़ को क्लैरिफाई भी किया, बट निवेशकों को मुझे लगता है कि उस चीज़ से सुकून नहीं मिला और वो इस स्टॉक में बने रहने के अब कोई इच्छुक नहीं है। ठीक है, स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल था हमने आपसे पहले भी बोला था, जो प्रीवियस वीडियो अपलोड किया था, 275 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा DHFL का, 275 के नीचे एग्जिट कॉल हो जाएगी, और वही हुआ, 275 टूटा और आज 188 और 190 के प्राइस पे DHFL चल रहा है। और अगर हम टेक्निकल चार्ट की बात करते हैं तो मुझे ये स्टॉक लगभग 150 के पास भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि आने वाले समय में आपको DHFL 150 रुपीज भी दिखाई दे सकता है। और ये जो गिरावट आई है बहुत ही हैवी वॉल्यूम के साथ गिरावट आई है। अगर मैं मंथली चार्ट की बात करता हूँ तो पिछले दो महीनों में, अगर सितंबर और अक्टूबर मंथ की बात करते हैं, तो जहाँ सितंबर मंथ में जो हम बात करेंगे लगभग 52 करोड़ के आसपास की स्टॉक शेयर वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुई है, और वहीं अक्टूबर मंथ में अब तक 57 और अप्रॉक्सीमेटली 58 करोड़ शेयर्स की बिकवाली हो चुकी है, मतलब खरीद फरोख्त हो चुकी है। और एक बड़े वॉल्यूम के साथ जब गिरावट आती है स्टॉक में तो कुछ बड़े निवेशक, कुछ बड़े जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसका मतलब स्टॉक में से बाहर आ रहे होते हैं, और यही कारण है कि यहाँ पर रिटेल निवेशक फंस चुका है बुरी तरीके से। निकलने का फिलहाल कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, क्योंकि इस स्टॉक का प्राइस अब हमें लगभग 150 रुपये या 155 रुपये तक भी जाता हुआ दिखाई देता है आने वाले दिनों में या हफ्तों में। सो गाइज, बहुत ही ब्रीफ में मैंने DHFL के बारे में आपको बताया, जहाँ पर हम लोगों ने आपको बोला था कि जब फ्रेश बाइंग करनी है 340 के ऊपर करनी है, और देख सकते हैं आप कि जब गिरावट आई तो इसके बाद कभी भी 340 के ऊपर बंद नहीं हुआ, यहाँ से रिकवरी आई और ये रिकवरी केवल 316-320 की रेंज में रही। यहाँ पर लोअर लो कंटिन्यूसली बना रहा है, लोअर लो लोअर हाई, और ये इंडिकेशन दे रहा है कि स्टिल स्टॉक के अंदर बीरिश मोड है। 155 का प्राइस रहेगा, 155 अगर टूट जाता है देन स्टॉक फिर कहाँ तक सपोर्ट लेगा नोबडी नोज, और हो सकता है स्टॉक 100 रुपये के लेवल पर भी आने वाले हफ्तों में या महीनों में आपको देखने को मिले। तो दोस्तों, ये स्टॉक मार्केट की पूरी कहानी है। यहाँ पर रातों रात आदमी अर्श से फर्श पर पहुँच जाता है, रातों रात फर्श से अर्श पर पहुँच जाता है। सो यहाँ पर अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है, स्टॉप लॉस का सबसे बड़ा खेल होता है, और अगर आपने स्टॉप लॉस को इग्नोर कर दिया तो आपको बड़े नुकसान हो सकते हैं या फिर आपकी पोजीशन फंस सकती है लंबे समय के लिए। अगले वीडियो में कुछ और स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे जिसने आपको कल तक राजा बना के रखा हुआ था लेकिन आज आप रंक बन गए हैं उस स्टॉक की वजह से। कौन सा वो स्टॉक है, अगले वीडियो को देखते रहिए, जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए आप DHFL में अपनी पोजीशन के बारे में डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है, क्योंकि जो नेक्स्ट टारगेट है DHFL का 150, और एक बार 150 टूटा देन 100-110 का लेवल भी आप अगले आने वाले कुछ महीने में DHFL के अंदर देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने अगर पहली बार वीडियो को देखा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।